Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. And welcome back to my YouTube channel and a new video. In today's video, we are going to discuss the full guideline about the MDCAT 2024. So before going towards 2024, थोड़ी सी बात करते हैं 2023 के blunders के बारे में. So आप लोगों को पता है कि 2023 में और हर जो last years में, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा idea हो जाए कि क्या होता है, किस तरह के scenarios पाकिस्तान में होते हैं और जो आपके साथ भी हो सकते हैं. सो अगर हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर 2023 में क्या हुआ था, तो 2023 में आपके पास बहुत ब्लंडर्स हुए थे. अगर एक ब्लंडर की मैं आपको बात करना चाहूँ तो वो ये हुआ था कि आपका पेपर जो है वो लीक हो गया था और आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था. तो अब हम क्यों ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, हमें इससे क्या ऐसी चीज मिल रही है जो हम अपने न्यू 2024 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो क्योंकि आपको पता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है, सो यू गाइज इवन हैव दी स्पेसिफिक सिलेबस. डोंट एवर फॉलो द सिलेबस. लेकिन जो सिलेबस में चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं ना, जो चैप्टर्स के नाम लिखे हुए आपने, वो चैप्टर्स तो करने ही करने, वो चैप्टर्स आपने प्रॉपर तरीके से करने हैं, मतलब बहुत अच्छे से करने हैं. लेकिन एक्सेप्ट दिस, आपके पास जो है एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट दिस, आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस, इवन आपको एक टॉपिक भी दिए हुए हैं कि आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जबकि उन टॉपिक्स के एक्सेप्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. और उसके बाद वो कहते हैं कि बुक्स आपने पढ़ी हुई है तो आपको आने चाहिए थे. ठीक है, तो ये चीज को देखते हुए आपने एक चीज याद रखनी है कि आपका जो सिलेबस आपको गिवन है, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट सिलेबस. काइंडली डोंट फॉलो इट. मैं अपने बैचेस के अंदर किसी को फॉलो नहीं करा रही हूँ. मेरे बैच ए, बी, सी और डी जो कि स्टार्ट होने वाला है, ऑल्सो रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन. यू गाइस कैन ज्वाइन इट टिल 17 फेब, और हमारी 17 फेब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो 17 फेब आप 5 PM से पहले ज्वाइन कर सकते हो आराम से. दिस इज द नंबर वेर यू हैव टू डू द कॉन्टैक्ट. इसके अंदर हम लोग क्या क्या करवाते हैं, आई विल प्रोवाइड द ड्राइव एक्सेस, चार्जेस इज 4100. आई प्रोवाइड द ड्राइव एक्सेस. यू विल हैव द एमसीक्यूज, यू विल हैव द पास्ट पेपर्स, यू हैव द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, वी विल हैव द लाइव सेशन, वी विल हैव द टेस्ट सीरीज, और आपकी पूरी बुकलेट की टेस्ट होती है, यानी कंप्लीट गाइडेंस विद मी. ठीक है, तो आपका एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है अंडर बजट भी है. ऑल्सो यू गाइज कैन हैव द फ्री गाइडेंस विद मी. सो मुझे लगता है ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. सो यू गाइज कैन ज्वाइन इट, बट आफ्टर 17 फेब आई एम नॉट गोना ऐड एनीवन आउट देयर. 17 फेब के 5 PM के बाद भी मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी. सो 5 PM से पहले करना है, क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी एंड वी हैव द इंट्रोडक्टरी क्लास फर्स्ट. सो दिस इज हाउ वी विल मैनेज. ठीक है, तो सिलेबस पूरा जो एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल, मैं पूरा स्केड्यूल बनाती हूँ, उसके स्केड्यूल के थ्रू ये मूव करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द एमडीकेट 2024 के सिलेबस की. तो उन्होंने आपको टॉपिक वाइज चीजें देंगे. प्लीज डोंट फॉलो देम. सिलेबस हर ईयर सेम आता है. मैं अपने किसी भी बैच में, किसी में भी कोई फॉलो नहीं करवा रही हूँ सिलेबस. और हमारा सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, बैच डी का, और बाकी बैचेस का इससे पहले हो जाएगा. बैच डी का हमारे अगस्त में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा. फिर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट सेशन, हमारे रिविजन सेशन भी होते हैं, और रिविजन सेशन सारे लाइव होते हैं. और हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे गाइज, इफ यू हैव डन योर एफएससी फ्रॉम द प्रीवियस ओल्ड बुक, तो यू गाइज मस्ट हैव टू फॉलो योर ओल्ड बुक. ठीक है, बट विद द ओल्ड बुक फॉर एज अ रिविजन बुक, यानी आप एक बुक उठाते रिविजन के लिए, फॉर दैट रिविजन बुक यू गाइज हैव टू डू योर न्यू बुक्स, क्योंकि न्यू बुक्स होना इस टाइम मुझे लगता है बहुत जरूरी है. उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी न्यू हैं, बट ज्यादा चीजें ओल्ड वाली ही हैं. तो आपने एज अ रिविजन चीज आपने ओल्ड बुक को, न्यू बुक को उठानी है और पढ़ना. अगर आपने ओल्ड बुक से पढ़ा हुआ है तो आप ओल्ड बुक से पढ़ो. अगर आप न्यू बुक पढ़ो तो ये बहुत अच्छा है, आप न्यू बुक से पढ़ो, लेकिन फिर भी ओल्ड बुक पढ़ो. ओल्ड बुक में बहुत स्टफ है और न्यू बुक में वो सब स्टफ नहीं है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो योर एमडीकैट सिलेबस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट पेपर. तो देखो, पास्ट पेपर इज मेन फॉर यू. ठीक है, यू गाइज हैव टू सॉल्व द पास्ट पेपर फ्रॉम एवरीवेयर. मैं अपने बीमेट के अंदर पास्ट पेपर बहुत ज्यादा, मतलब एम्फोसाइज करवाती हूँ. बीमेट के सारे बैचेस के अंदर पास पेपर ड्राइव में प्रॉपर गिवन है, क्योंकि पास पेपर ऐसी चीज है जिसको आप सॉल्व करते हो तभी आपको आइडिया होते हैं. तो यू गाइज मस्ट हैव टू सॉल्व दी पास पेपर, दे आर रियली वेरी ग्रेट. ठीक है, तो आप बीमेट बैच डी चल रहा है, उसके बाद हमारे पास 17 फेब के बाद उसके क्लोज हो जाएगा. तो आप उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. और पास पेपर्स आपके पास इंक्लूड है इस ऑफर के अंदर. ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, और उसके लिए यू जस्ट हैव टू गिव मी योर ईमेल. वो पूरी डिटेलिंग हो जाती है. दिस इज द नंबर, यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट देयर. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास सिलेबस की बात हो गई, बुक की बात हो गई, पास पेपर की बात कर ली मैंने. पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. पास पेपर कब सॉल्व करना, ये बात मैं आपको शेयर करूंगी. टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पास पेपर करते हैं, बट दे नेवर डू दी टेस्ट सीरीज और टेस्ट सेशन अटेम्प्ट नहीं करते हैं. तो आप अपने लिए बहुत गलत ऑप्शन चूज कर रहे हो.
टेस्ट सेशंस ऐसी चीज है जब आप उसको सॉल्व करते हो, आपकी कोई चीज गलत होती है ना, आप टीचर से पूछो, इवन मुझसे पूछो, मैं जो आपको टेस्ट सेशन प्रोवाइड करूंगी ना, मेरे टेस्ट ऑनलाइन होंगे, जो मेरे बीमेट बैचेस के टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, तो जो मैं आपको टेस्ट दूंगी ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा प्रॉपर, आपकी ईमेल पे आपका रिजल्ट आएगा। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, यू गाइस कैन इवन आस्क मी के हाउ टू सॉल्व दिस। आपके पास सारे ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह शेयर की जाएंगी आपके ड्राइव के अंदर। यू विल हैव दी हैंडमेड नोट्स मेरे पर्सनल, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि बीमेट के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबके पर्सनल नोट्स यू विल गेट इट। तो दिस इज अप, एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरी, यू गाइज कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो के यू वॉन्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है ना वो अप्रॉक्स 4 महीने के अंदर कम्प्लीट किया था अपनी स्टडीज, लेकिन एक चीज याद रखना, जो मैंने 3-4 महीने स्पेसिफिकली 3 मंथ्स मैंने काफी अच्छा पढ़ा था, मतलब काफी सीरियस होके, बट एक चीज याद रखना, कोई भी अगर कहते हैं ना 3 मंथ्स में पढ़ा था तो यकीन नहीं करना, क्योंकि ये जो 3 मंथ्स है ना, इनमें मैंने रिवाइज करा था, सही है। इससे पहले जो मैंने एक ईयर पूरा वेस्ट करा, पूरा गैप ईयर लिया ना, दैट वॉज द टाइम वेन आई यूटिलाइज माई होल बुक्स, और जब मैं थी मेरी बुक्स थी और कोई नहीं था, ठीक है। तो बस ये चीज है, तो यू नेवर हैव टू बिलीव दिस थिंग कि अगर कोई कह रहा है 3 मंथ्स तो हो सकता है कि, और मैं आपको 3 मंथ्स का एक प्रॉपर स्केड्यूल भी बताऊंगी, शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कि आप किस तरह से 3 मंथ्स के अंदर भी कर सकते हो। और हमारा जो बीमेट बैच डी का सिलेबस है वो 3 मंथ्स में ही कम्प्लीट होगा, बट मैं 3 मंथ्स में करना इज नॉट इनफ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करवाती हूँ मेरे बैचेज में, इन अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर बहुत सारे बच्चे, इवन तो बहुत सारे बच्चे मेरे खुद के जूनियर हैं, ठीक है, मतलब उनका एडमिशन, वो मेरे जूनियर्स एज अ जूनियर आई एम, तो दैट दिस इज वेरी आई एम ग्लैड फॉर दिस थिंग कि वो मेरे जूनियर्स हैं, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम एज वेल। तो ये चीजें, बाकी होप फॉर द बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनी थिंग, यू गाइज कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आप लोग बैच डी में इनरोल करवा सकते हो 17 फेब से पहले, सो आप उसके बाद नहीं। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो बैचेस मेरे चल रहे हैं किस कौन से स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो दे आर स्पेसिफिकली फॉर दी केपीके एंड सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स, काइंडली डोंट टेक्स्ट मी दो स्टूडेंट जो पंजाब बोर्ड से हैं। फॉर दी पंजाब बोर्ड स्टूडेंट वी हैव गोल्ड बंडल ड्राइव, यू गाइज कैन गेट द एक्सेस ऑफ गोल्ड बंडल ड्राइव, बट यू कांट बी इन टू माई बैचेस, ठीक है। तो दिस इज अप, इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरी डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगी हाउ आई मैनेज माई टाइम ड्यूरिंग दोज 3 to 4 months में मैंने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया था। अगर आप एक रिपीटर हो या इम्प्रूवर हो तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, दिस इज रियली वेरी इजी। सो दिस इज अप, ऑल्सो गाइज डू फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड ग्लो अप विद हिजाबी, दिस इज अ न्यू चैनल आई जस्ट मेड इट, सो यू गाइज मस्ट हैव टू फॉलो दिस वन फॉर ए यू नो गर्लिश चीजों के लिए। सो दिस इज अप, इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरी डू लेट मी नो, अल्लाह हाफिज़।